ये क्या है? आप दोनों को तो आरती की थाली लेकर स्वागत करना चाहिए, और आप तो ये नो एंट्री का बोर्ड लेकर खड़ी हैं। स्वागत की रस्म के बारे में सुना है कभी? अरे जब तक नहीं हुई थी गृह प्रवेश से पहले अपने मित्रों के सवालों के जवाब नहीं दिए थे तब तक उसे घर में एंट्री नहीं मिली। अच्छा, मतलब रैगिंग किए बिना आप गाथा को घर में नहीं आ रहे? भाई देखो कैसे अंदर आने की मांग रहा है, परमिशन रोक दिया है बहनों ने कहकर, सब्जी को टर्म्स एंड कंडीशन। इतने सालों में घर की रसोई में हर तेल की और शक्कर के दाने का हिसाब सिर्फ मैं रखती आई हूँ। अब अगर गाथा प्रॉमिस करेगी कि उसके घर में आने के बाद भी इस रसोई की बिग बॉस हमेशा मैं ही रहूंगी तो फिर वो आ सकती। बोलो है मंजू? अब तो मुझे कबीर की फेवरेट प्लेस आते बनाकर खिलानी ही पड़ेगी, दिखानी ही पड़ेगी इसे। अब मेरे सवाल का जवाब, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस शादी को इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? सवाल आप कई बार पूछ चुके हैं और इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। कबीर, तुम्हारा हर बार बीच में बोलना जरूरी है क्या? मतलब वरना तो भाभी में कभी बात नहीं हो सकती। तो बताओ गाथा, ये शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई? कबीर चाहते थे शादी जल्दी, तो फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसमें गाथा उर्फ कथा ने युवराज को देख लिया है, तो वो एक नई शुरुआत करने जा रही थी कबीर के साथ। लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी खुश थी पहली बार, लेकिन उसने जैसे देखा कि मेरा देवर ही मेरा गुनहगार है तो एवरीथिंग इज़ जस्ट टर्न 360 डिग्री। और गृह प्रवेश जो इतना ब्यूटीफुल सेरेमनी है वो उसके लिए एकदम, इट्स लाइक मैं कैसे करूँ ये, वो उसके लिए एकदम टफेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ है टू एंटर द हाउस, तो वो सीन चल रहा है। प्लीज़ वॉच मुस्कुराने की वजह तुम, एंड थैंक यू कि हमारी रेटिंग्स आप लोगों से बढ़ गई है, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो। प्लीज़ कीप लविंग इट एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग इन आवर पावर टू मेक द बेस्ट शो पॉसिबल। थैंक यू।